प्रत्येक अध्याय में चार चार बाधाएं यानी आठ अध्याय कितने हो जाएंगे? यदि आठ अध्याय है, 32 पाठ है, तो कुल सूत्रों की संख्या लगभग मानी जाती है, कैसा माना जाता है? लगभग 4000। वास्तविकता कितना है? 3995 है ना, 3995 वास्तविक है। पांच सूत्र को छोड़कर 3995 सूत्र विद्वानों द्वारा सुरक्षित रखा गया है, इसीलिए इसको लगभग कितना मान लिया जाता है? 4000 सूत्र है ना। तो आप अपनी भाषा में 4000 ही जानिए, एग्जैक्ट कह जाना है ना। तो ये अष्टाध्याय में आठ अध्याय में 32 पाद है, लगभग 4000 सूत्र है। मैंने कहा कि मूल बिंदु केंद्र है, पाणि क्या है, अष्टाध्याय क्या है, व्याकरण की संस्कृता करके केंद्र बिंदु में आते हैं। और जब इन्होंने अष्टाध्याय लिखा तो पाणि को व्याकरण का क्या मान लिया गया? जनक मान लिया गया, व्याकरण का जनक माना गया। क्या लिखने के कारण? अष्टाध्याय लिखने के कारण। तो अब चलिए ये बताइए, क्या पाणि से पहले व्याकरण था कि नहीं था? था रचना करके व्याकरण में जितने तत्व की आवश्यकता थी सारे तत्वों को पूरा किया है ना। अष्टाध्याय लेकर जितने तत्व होने चाहिए व्याकरण के लिए सारे तत्व को एक जगह इन्होंने प्रकट कर दिया था, एकत्रित कर दिया था, इसलिए इनको अष्टाध्याय को अष्टाध्याय ग्रंथ लिखने का व्याकरण का जनक मान लिया गया, प्रणेता मान लिया गया। अब इसके बाद एक और विशेष बात, इससे पहले व्याकरण ग्रंथ था बिल्कुल उसी तरह जैसे 1857 की क्रांति एक बार उठी थी भारतवर्ष में, है ना। 1857 की जो क्रांति उठी थी भारतवर्ष में छुटपुट उठा था ना, कहीं बिहार में है ना, कहीं मगध में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं कहीं है ना, झांसी में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, है ना, विभिन्न जगहों पर क्रांतियाँ हुई थी छुटपुट, यानी पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थानों पर क्रांति थी। अगर वो क्रांति एक साथ नहीं होती तो अंग्रेज 1857 में ही भारत छोड़कर चले गए होते, लेकिन नहीं जा पाए। कारण क्या था? क्रांतियाँ छोटे छोटे जगहों पर या छोटे छोटे नगरों या प्रांतों में उठाई गई है ना, अलग 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 समूह में एकत्रित होकर नहीं, इसलिए उनका क्या कर दिया गया? दमन कर दिया गया। यानी कहने का मतलब पाणिनि के अष्टाध्याय से पूर्व भी व्याकरण ग्रंथ प्रचलित थे जिसमें 10 व्याकरणों के नाम आते हैं। कितने व्याकरण? 10 व्याकरण। यानी 10 व्याकरण ऐसे थे जो व्याकरण का ज्ञान रखते थे, जो व्याकरण के ज्ञान के लिए माने जाते थे, माहिर थे, जिनमें आपिशल है ना, आपिशल आचार्य है, और आपका गार्गी है, बैठी वगैरह है ना, बहुत सारे आचार्य देखने को मिलते हैं, शाक्टायन आचार्य है, आपिशल, शाक्टाय, व्याडी, गर्ग, बहुत सारे नाम सुनने को मिलते हैं इससे पहले पाणि से पहले। तो ये लोग व्याकरण के कुछ कुछ क्या थे? ज्ञाता थे, लेकिन समस्या के साथ क्या थी? ये व्याकरण के किसी एक तत्व को जानने वाले थे, संपूर्ण को नहीं बल्कि किसी एक तत्व को। जैसे आप लोग को यहाँ पढ़ाया जा रहा है ना, बस ना, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोग क्या है? सर्वज्ञ हैं। बात यहाँ समझिएगा, सर्वज्ञ का मतलब सिलेबस में जितनी चीजें हैं आप सारे विषयों को पढ़ेंगे है ना, सबको जानने वाले बन जाएंगे, लेकिन हम लोग क्या है? केवल पर्सनल विषय। संस्कृत के हैं तो संस्कृत, हिंदी के हैं तो हिंदी, मनोविज्ञान के हैं तो मनोविज्ञान, गणित के हैं तो गणित, है ना, बस समझिए ना। तो एक ही क्षेत्र में विशेष क्या था लोगों का? अपना अपना, इनका अपना अपना योगदान था। यानी व्याकरण के किसी एक तत्व में ये माहिर हुआ करते थे, इसीलिए इनको व्याकरण का जनक नहीं माना गया, बस ना, क्योंकि ये व्याकरण के सारे तत्व तो दे ही नहीं पाए। सारे तत्व कौन दिए? पाणिनि ने दिया, इसलिए इनको क्या मान लिया गया? जनक, है ना। तो इनके पहले व्याकरणों की संख्या कितनी थी? 10 थी। उन 10 व्याकरणों में एक व्याकरण थे इंद्रदत्त। क्या नाम था? इंद्रदत्त। इंद्रदत्त नामक जो व्याकरण थे, इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अयंत्र व्याकरण। क्या नाम था? अयंत्र व्याकरण नाम था। अयंत्र व्याकरण ग्रंथ इन्होंने लिखा, ये प्रचलित था किससे पहले? अष्टाध्याय से पहले। यानी 10 व्याकरणों में केवल एक व्याकरण थे इंद्रदत्त।
इंद्रदत्त द्वारा लिखा गया आयुर् व्याकरण ही थोड़ा बहुत क्या था, प्रचलित था, फेमस था, है ना, प्रसिद्ध था, तो लोग उसी को पढ़ते पढ़ाते थे। किससे? आयुर् व्याकरण। किससे पहले? पाणिनि। अभी पाणिनि से पूर्व जो व्याकरण थे उनकी जो शिक्षण परंपरा थी भगवान ब्रह्मा के मुख से निकले हुए संस्कृत भाषा से। भगवान ब्रह्मा के मुख से क्या निकला था? वेद का ज्ञान निकला था ना। वेद बोले तो वेद किस में निकला था? संस्कृत भाषा में। तो इन वेदों से, वेद का मतलब ही ज्ञान होता है ना, तो संस्कृत भाषा जो उद्धृत हुआ था उस परंपरा से मिलने वाले व्याकरण को जानने वाले को थे ये सारे आचार्य। यानी ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त व्याकरण का जो भी अंश निकला था वो सब जानने वाले कौन थे? पाणिनि से पूर्व के व्याकरण, है ना। और हमारे पाणिनि को जो व्याकरण का ज्ञान हुआ था वो किस से हुआ था? शिव के द्वारा बजाए गए डमरू से बनते, यानी शिव के द्वारा इनको ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, व्याकरण के जनक को मान लिया गया किस तरह से? अष्टाध्याय का इन्होंने निर्माण किया, व्याकरण के जितने तत्व होने चाहिए सारे तत्व दे दिए, है ना। इस कारण को क्या कह दिया गया? व्याकरण का जनक। अब ये कह दिया जाए व्याकरण के आदि आचार्य, आदि माने होता प्रारंभिक, यानी उत्पत्ति कहाँ से हुई है व्याकरण की, है ना। क्या प्रश्न ये बनता है? व्याकरण के आदि आचार्य, है ना। तो हम लोग जो व्याकरण पढ़ते हैं किस परंपरा का? अष्टाध्याय परंपरा का पढ़ते हैं। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। और पाणिनि क्या पहले कहाँ से मिला? शिव से। और शिव के पहले किससे मिला? शिव तो ईश्वर है, है ना, सर्वज्ञ है, है ना। तो शिव से पहले शिव को किससे मिला होगा इसकी चर्चा प्रचर्चा ये बात कहीं देखने को नहीं मिलती। यानी अगर व्याकरण का आदि आचार्य प्रारंभिक आचार्य माना जाएगा तो किसे मानेंगे? शिव को। गलती लोग कहाँ करते हैं? यहाँ करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा संस्कृत भाषा का क्या हुआ था? उद्धार हुआ था, तो लोग क्या मान लेते हैं? व्याकरण के आदि आचार्य ब्रह्मा जी ही होंगे, ऐसा लोग मानते हैं ना, जबकि ब्रह्मा जी नहीं बल्कि कौन है? शिव है। ब्रह्मा जी तो संस्कृत भाषा के आदि आचार्य है, है ना। तो आप ये जानिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं पाणिनि से पूर्व व्याकरण के इतिहास का जो सटीक क्वेश्चन होता है, है ना। अब यहाँ क्वेश्चन आपको लगभग चार पांच मिले जो बिल्कुल सटीक होता है, है ना। व्याकरण से पूर्व कितने व्याकरण प्रचलित थे? आचार्य पाणिनि से, महर्षि पाणिनि से पूर्व कितने व्याकरण प्रचलित थे? 10 व्याकरण। कितने व्याकरण का नाम आता है? तो सारे प्रकार का प्रश्न बन सकता है ना। फिर उसके बाद अष्टाध्याय से पूर्व कौन सा व्याकरण ग्रंथ प्रचलित था? पाणिनि का समय क्या था? 450 ईसा पूर्व। तो 400 ईसा पूर्व में इन्होंने
इसके बाद लगभग कितने साल बाद? 100 साल बाद, यानी इनके समय में कितने साल बाद? लगभग 100 साल बाद कौन आते हैं? एक आचार्य थे कात्यायन, कात्यायन जिसका दूसरा नाम है वररुच। कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? वररुच। वररुच, इन्होंने देखा 100 साल बाद, ध्यान देना कितने साल बाद? 100 साल बाद। बोले तो कब? 350 ईसा। अब आपकी समझ में आ रहा होगा 100 साल बाद, 450 साल बाद 550 होना चाहिए। तो आपको बताएं ईसा पूर्व का जो समय हो घटते क्रम में बढ़ता है ना, ईसा पूर्व का समय क्या होता है? घटते क्रम में बढ़ता है, जो घटते क्रम में बढ़ा जाएगा यानी कब? 350 ईसा। कौन आते हैं? कात्यायन या वररुच। इन्होंने देखा कि ये जो अष्टाध्यायी पाल महोदय ने लिख दिया है बुढ़े हो गए होंगे ना, 100 साल बाद भी बुढ़े हो गए होंगे ना पाली, तो 100 साल बाद इन्होंने देखा जो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ है इसमें बड़ी गलतियाँ हैं। किसमें? अष्टाध्यायी में बहुत ही गलतियाँ कहा तो झेल के पास कहें तो बहु ही जो अष्टाध्यायी लिख रहे हो है ना, एक बहु जो अष्टाध्यायी लिख देने हो ये मैं बहुत गलती हूँ। और बुढ़ों को अगर आप थोड़ा सा क्या करते तो क्या हो? थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं उनकी भाषा बड़े रोचक होती है ना, दौड़ा लिए मारे होते हैं ना, अगर डंडे में लेके तब फेंक मारते हैं। कभी आपने बुढ़ों को उकसाया है? उकसा के तो बुढ़िया हो जाओ है ना, सासू ससुर मत उकसा देना। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, क्या निकाली? कमियां निकाली। किसके ग्रंथ में? अष्टाध्यायी पाणी द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी में क्या निकाली? कमियां। कितने में? 1250 सूत्रों में। जो कमियां निकाली कितने सूत्रों में? 1250। 4000 में से 1250 सूत्रों में कमी निकाली किसने? कात्यायन ने। कात्यायन ने जब कमी निकाला तो इनसे कहा भैया तुमको तो गलत शब्द क्योंकि नाम कमाने में बहुत ज्यादा ना गलत गलत लिख करके बहुत नाम कमाए हो है ना, और एक 1250 सूत्र में कमी बांट है एकाकार करवा तो ये गए गुस्सा कौन पाड़े कह रहा हमारे सूत्र में बहुत पुतुल नहीं काटे थे, आपकी भाषा में पुतुल नहीं काटा बोली बोल रहा है ना, बहुत पुतुल नहीं काटा था घर उस पुतुल ने तो कटवाए कर जब गलत पुतुल लिखी है गलत बताया है ना, मैं पुतुल ये कर बढ़ा तो तुम्हें इसको पढ़ कर भर दो यानी शुद्ध कर दो। कात्यायन ने क्या किया? कात्यायन ने अष्टाध्याय के पुतुल नहीं काटा और 1200 सूत्रों पर मन लगा के यानी क्या किया? सूत्रों को भर दिया रुचि लगा के करा, तो तुमने कहा कि किस पर? अष्टाध्याय पर, और रुचि लगा के भर दिए ध्यान दीजिए तो तुमने से कात्यायन रुचि लगा के भर दिए भर रुचि है ना, कात्यायन ने क्या किया? रुचि लगा के भर दिया यानी सूत्रों को सही किया है ना, अर्थात इनका दूसरा नाम क्या हो गया? वररुच। कितने सूत्रों पर? 1250 यानी 1250 सूत्रों पर इन्होंने दोष निकाला और इस पे मन लगा के जब सूत्रों को शुद्ध करना चाहा शुद्ध करते करते कितने वार्तिक कर दिए? 4000 वार्तिक। अब सोचते जाओ हमेशा है ना, 4000 लगभग क्या थे? 1250 सूत्रों पर कमी निकाल के लगभग कितने वार्तिक कर दिए? 4000 वार्तिक निकाले, 4000 उधर 4000 उधर क्या क्या? अब जो अष्टाध्याय कितनी पत्री थी कितनी मोटी हो दुगनी हो गई ना, बस ना अभी देखिए इसका प्रभाव 4000 वाक्य लिखिए। हालांकि इन्होंने पाणिनि के सूत्रों को काटा नहीं है ना, बल्कि सूत्रों का सम्मान किया और जहाँ गलतियाँ थी उसके बाद ही इन्होंने क्या किया? अपना वाक्य लिख दिया है ना। अब यहाँ पे लोगों क्या है? अष्टाध्यायी ग्रंथ था, अष्टाध्यायी का था एक ग्रंथ था और ये वार्तिक है, ये ग्रंथ नहीं था। वार्तिक का मतलब क्या? वार्तिक का तो कात्यायन हो गया था, वार्तिक का मतलब वार्तिक की रचना करने वाले है ना। अब ये वार्तिक जो था वास्तव में ग्रंथ नहीं था बल्कि सुधार था, कात्यायन द्वारा किया गया सुधार। जैसे आप कापी में लिखते हैं कहीं गलतियां अगर काट कर नीचे और बढ़ा देते हैं ना, वैसे ही कात्यायन ने क्या किया था? अष्टाध्यायी जहाँ कमियां थी उसी के नीचे आपने सुधार को ले दिया। वार्तिक का मतलब ये होता है सुधार है ना, कात्यायन ने ये सुधार कहा किया? अष्टाध्यायी ने किया।
किसने किया था? अष्टाध्याय में किया, और सुधार अष्टाध्याय में अपना वार्तिक जोड़ने से पहले उन्होंने एक स्लोगन दिया, उक्त अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्न प्रवर्तते। उक्त माने कही गई बात, अनुक्त माने ना कही गई बात, चिंता यत्र यानी संशय से यत्र माने जाना जाना, चिंता माने क्या होता है संशय युक्त, प्रवर्तते माने दिखाई दे रहा है, यानी जो बात कही गई समझ में ना आ रहा, जो बात कही ही नहीं गई है उसको तथा जहाँ जहाँ संशय है उन सबको दूर करने के मैं कात्यायन वार्तिक की रचना कर रहा हूँ, यानी अष्टाध्याय में मैं सुधार कर रहा हूँ, इसको कोई अन्यथा ना ले बस ना। तो ये करके अष्टाध्याय में इन्होंने क्या किया, सुधार करना शुरू कर दिया। सुधार करते करते कितने वार्तिक लिख दिए, 4000। अब जो अष्टाध्याय का ये सूत्र लिखा गया था, व्याख्या नहीं था, तो इन्होंने भी क्या किया सूत्र के रूप में ही वार्तिक को लिख दिया, व्याख्या नहीं किया। समझ में आई बात, वार्तिक कोई गलत वास्तव में नहीं था, लेकिन अब कैसे जानेंगे पाली को कात्यायन ने क्या लिखा, तो कुछ लोग वार्तिक ग्रंथ कहते हैं, जबकि केवल वार्तिक कहना चाहिए ग्रंथ नहीं कहना। समझ गए ना, कात्यायन ने क्या लिखा था, वार्तिक अर्थात अष्टाध्याय पर सुधार। समझ गए ना, क्लियर हो गया। तो ये अब इसके बाद क्या करते हैं, इनके बाद लगभग 200 साल बाद ध्यान दीजिए अष्टाध्याय लिखा गया, जब थोड़ी बड़ी कमियां थी कोई देखने वाला नहीं था, देखने वाला पैदा कौन था, अध्याय बदल पैदा हुए उन्होंने सुधार कर लिया, अब अष्टाध्याय की जो सूत्र हो गया एकदम सही हो गए, सब सही हो गया बस ना। अब उस समय क्या था, यहाँ पे केवल सूत्र था व्याख्या नहीं था, इसका भी एक कारण था, व्याख्या न देने का एक कारण प्राचीन मानव समाज क्या था, भारत का समाज संस्कृत भाषी था, संस्कृत बोलता था, संस्कृत में पढ़ता था, संस्कृत में लिखता था, अपना सब कुछ इसमें यानी संस्कृत को समझ लेता था, है ना, इसलिए उन्होंने साक्षर दे दिया, है ना, चिट्ठी का तारा बना दिया, बस समझ गए ना। तो बदलते समय के साथ संस्कृत भाषा धीरे धीरे क्या होने लगा, विलीन के गर्भ में जाने लगा, है ना। तो 100 साल बाद इसकी आवश्यकता महसूस हुई, 200 साल बाद किस रूप में, व्याख्या के रूप में, लोग संस्कृत का टूटी टूटी भाषा जैसे कि आप हिंदी पढ़ रहे होंगे वहाँ भाषा का विस्तार दिखाया जाता है ना, सबसे पहले क्या था संस्कृत, है ना, फिर प्राकृत अपभ्रंश इस तरह करके बताया गया होगा ना। तो इन सब में संस्कृत धीरे धीरे क्या होने लगा, कन्वर्ट होने लगा, बस ना, पाली भाषा में अपभ्रंश में प्राकृत प्राकृत को ही संस्कृत कहा जाता है ना, तो ये कन्वर्ट होने लगा धीरे धीरे त्रुटियों की तरफ। तो 200 साल बाद कौन आते हैं, पतंजलि महर्षि पतंजलि आते हैं, इन्होंने देखा कि हमारा जो संस्कृत भाषा है ये विलीन में जा रहा है, गर्भ में जा रहा है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे सार्थक को, है ना, व्याकरण के सार्थक को समझ नहीं पा रहे, संस्कृत भाषा तो जानते थे लेकिन व्याख्या नहीं समझ पा रहे थे, है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया, व्याख्या दे करके क्या लिखा, महाभाष्य। महाभाष्य का मतलब ही होता है महा, मतलब महान, भाष्य का मतलब होता है भाषण, यानी ऐसा ग्रंथ जिसमें महान व्याख्या दिया जाए, भाषण दिया जाए, व्याख्यान्वित किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, अष्टाध्यायी के सूत्रों पर, अष्टाध्यायी और कात्यायन द्वारा बनाए गए वार्तिक सब मिला के जितने लगभग 8000 हो गए, अब 8000 जो सूत्र के रूप में थे उन सब पे व्याख्या देना किसने प्रारंभ कर दिया, पतंजलि ने व्याख्या देना प्रारंभ कर दिया, जो आगे चलकर किस नाम से जाना गया, महाभाष्य। तो व्याख्या दी है संस्कृत सूत्र में मिल गया और व्याख्या भी मिल गई, अब कोई कमी नहीं रह गई ना। तो ये जो तीन आचार्य थे इन तीनों ने मिलके संस्कृत व्याकरण को क्या किया, मजबूती प्रदान किया, दो लोगों ने सूत्र को सुधारा, एक लोग ने क्या किया बच्चा बच्चा कसर निकाल दिया यानी व्याख्या पूरी कर दी। तो ये तीन मुनियों को क्या कहा जाता, शीर्ष के तीन महान आचार्य कहे जाते हैं, यानी मुनित्रय की श्रेणी में इनको रख दिया गया, किस श्रेणी में रखा गया तीनों को, मुनित्रय। देखिए त्रय वाले होता है शीर्ष के तीन स्थान ना, यानी मुनियों में शीर्ष के तीन मुनि कौन माने जाते हैं, पाणिनि कात्यायन और पतंजलि। देखिए शिक्षा एक ऐसा जगत है जहाँ टॉप 3 चलता है, बाकी अन्य जगत में टॉप 10 चलते हैं, बस ना, शिक्षा एक जगत है जहाँ पहला दूसरा तीसरे नंबर तक क्या महत्ता दी जाती है, जैसे ये आदि काल से परंपरा चली आ रही तात्री, त्रय का मतलब वही हो गया तात्री, है ना। तो ये शीर्ष के तीन मुनि कौन कौन बन गए, हमारे पाणिनि कात्यायन भरतुचि, है ना, और कौन
पतंजलि, है ना। ये हमारे शिष्य के क्या हो गए, मूर्धन्य विद्वान हो गए व्याकरण के क्षेत्र में, है ना। तो इसके बाद ये परंपरा कई दिनों तक चलती रही, सदियों तक चलती रही, एक सदी नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस नहीं, लगभग 14 सदी। कितने सदी बीत गए, 14 सदी, है ना। यानी इनका जो समय था कितना था, 185 ईसा पूर्व, 200 साल बाद आए थे ना। तो इसके बाद संस्कृत व्याकरण के इतिहास एकदम खाली सूना पड़ गया, क्योंकि जो समस्याएं थी वो पूरी कर दी गई, है ना। मानव समाज संस्कृत भाषा में उतना समझता था, व्याख्या दे दी, पूरा समझ में आने लगा लोगों को। लेकिन बदलता समय, बदलते समय के साथ जब किसी वस्तु में कोई परिवर्तन परिवर्तन ना किया जाए तो जंग लग जाती है ना। यही घर है, अगर इसको लगाया पुताया ना जाता है तो काई भी लग जाएगी ना अच्छे से। तो वैसे ही कई सदी बीत गए, व्याकरण के क्षेत्र में कोई रचना नहीं किया गया। आने वाला समय धीरे धीरे व्याकरण की तरफ से अपना मुख मोड़ लिया, क्योंकि हमारा समाज भी हिंदी भाषी हो गया, है ना भाई। प्राकृत से पाली आया, पाली से ब्रज आया, ब्रज से खड़ी बोली की तब्दील हो गया मानव समाज, है ना। तो 14वीं शताब्दी में कौन आते हैं, इनके बाद कौन आए 14वीं शताब्दी में, अब उधर लिख दो बता देना, समझ आ रहा ना। हाँ, 14वीं शताब्दी में कौन आते हैं, भट्टोजी दीक्षित आते हैं। भट्टोजी दीक्षित ने देखा कि संस्कृत व्याकरण की तरफ किसी का मन ही नहीं लग रहा, कोई संस्कृत पढ़ने पढ़ाने वाला ही नहीं, तो आप देखिए आपके आधा दादा तो कौन संस्कृत जानता है, कोई नहीं जानता ना संस्कृत का। उदाहरण कब से प्रारंभ हुआ है, 2010-12 से, 2010-12 से नहीं, योगी मोदी जब से आए बात नहीं है, 2010 से आपके संस्कृत भाषा का उच्चार को भी आ रहा है ना। तो दो व्यक्ति पूछते हैं इसके लिए, एक आपके दूसरे सर्वज्ञ, है ना, राजेंद्र शाह त्रिपाठी सर्वभूषण, ये सब जो संस्कृत भाषा को उच्चार की, है ना। टेक्निकल युग में आ करके यानी यूट्यूब वगैरह के माध्यम से इसको उछालना प्रारंभ कर दिए, था क्या नहीं जाना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में कौन आते हैं, भट्टोजी दीक्षित आते हैं। इन्होंने क्या किया, भट्टोजी दीक्षित ने देखा कि संस्कृत व्याकरण मजबूत है, इसमें कोई कमी नहीं है, लोग इससे दूर क्यों भागते हैं। जब इसका पता किए तो क्यों भागते, पता चला कि भाषा की प्रॉब्लम है, किस किस दिक्कतें आई भाषा की, क्योंकि मानव समाज बिल्कुल दूसरे ही भाषा का हो गया, दूसरे ही प्रकार का हो गया। यहाँ जो अष्टाध्यायी में सूत्र दिए गए, वार्तिक का जो वार्तिक दिया, पतंजलि ने व्याख्या किया, सब कुछ सही था, लेकिन यहाँ जिसकी प्रॉब्लम आने लगी भाषा की, लोग बिल्कुल समझिए समझिए संस्कृत यहाँ तक आते आते विलीन के गर्द में जा चुका था। तो भट्टोजी दीक्षित ने इसे उबारने का काम किया, यानी अष्टाध्यायी के सूत्र, सूत्रों की व्याख्या जो संस्कृत में थी उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, इसमें हिंदी व्याख्या दिला दी। यानी अब तक क्या था, ये अष्टाध्यायी था, फिर इतना दुगना हो गया वार्तिक के रूप में, और इस पर पतंजलि ने क्या कर दिया था, व्याख्या दे दिया, इतना मोटा पथन्ना हो गया। जब ये आया तो हिंदी हिंदी को ज्यादा व्याख्यान्वित होते, कितना मोटा होगा इतना, अब इतना मोटा पथन्ना किसी के पास कर दिया जाए, है ना, इतना मोटा मान लो बेटी लोग पढ़ लो, एक पढ़ लो सीटेट में टेट में 30 में 30 सब पा गया, पढ़ो नहीं पढ़ो ना, है। तो ये क्या हुआ, इसमें अरुचि उत्पन्न हो गई, है ना। इतना मोटा पथन्ना होने के कारण इसमें क्या हो गया, अरुचि उत्पन्न है, मतलब ये सरल करना तो चाहे लेकिन सरलता में जटिलता उत्पन्न हो गई, किस कारण से, मोटा होने के कारण, भारीपन होने के कारण, ना इसमें गुरुत्व पैदा हो गया, मतलब किताब को देखते ही लोग के मन में क्या आ जाते थे, ये तो पहाड़ सा लगने लगता था, इतना मोटा कैसे पढ़ेंगे, कितने दिन में पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे, बस ना। तो इन्होंने क्या दिया, उसका नाम रखा सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी नाम रखा, ठीक है। अब इसके बाद ये और भी जटिल हो गया, तो एक एक शिष्य थे भट्टोजी दीक्षित के, क्या थे, एक शिष्य थे जिनका नाम था भरद्वाज, भरद्वाज नाम था। इन्होंने क्या किया, इसी सिद्धांत कौमुदी, कुछ नहीं किया इसी सिद्धांत कौमुदी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, कहते पहले इतना पढ़ा
फिर इतना पढ़ा, फिर इतना पढ़ा, थोड़ थोड़ के पढ़ा, पूरा याद हो गया। बस नया इन्होंने इसी सिद्धांत छोड़ने को क्या कर दिया, टुकड़ों में विभाजित कर दिया, पकड़ वाई जो किस नाम से जाना जाता है, लघु सिद्धांत कौमुदी अथवा मध्य सिद्धांत कौमुदी अथवा सार सिद्धांत कौमुदी, कितने नामों से जाना जाने लगा, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी अथवा सार सिद्धांत।